तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि जो हमारा फेसबुक आईडी होता है ना वो कौन कौन सा डिवाइस में लॉगिन है। जैसे कि एक मेरा डिवाइस में लॉगिन हो गया और एक मेरा फ्रेंड का किसी का भी डिवाइस में लॉगिन होता है ना, तो वो कैसे चेक करना है और उसको हटाना कैसे है वो भी सीखेंगे। तो जैसे कि मैं दिखा दे रहा हूँ अभी, जैसे कि देख पा रहे हो ये जो मेरा डिवाइस है ना, ये नार्जो 50 और भी बहुत सारे डिवाइसेज में लॉगिन है, जैसे कि विंडोज़ करके। और जैसे कि देख पा रहे हो तो ये किस तरह से हटाना है और किस तरह से चेक करना है कि कौन सा डिवाइस में लॉगिन है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, facebook.com सर्च करेंगे। facebook.com जैसे कि देख पा रहे हो facebook.com सर्च करना है, देन कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो आप सबके प्रोफाइल वाला जो आइकन दिख रहा है इधर क्लिक कर लेना है, देन सेटिंग में जाना है। एंड सेटिंग के बाद आप सबको फिर एक सेटिंग करके ऑप्शन मिलेगा, तो इधर क्लिक कर लेना है। देन उसके बाद आप सबको सी मोर इन अकाउंट सेंटर पे क्लिक कर देना है, कुछ इस तरह से आ जाएगा। आप सबको अब क्या करना है, ये जो पासवर्ड एंड सिक्योरिटी देख रहे हो इधर क्लिक कर लेना है। एंड देन कुछ इस तरह से आ जाएगा, तो आप सबको वेयर यू आर लॉगिन करके आता है, इधर क्लिक कर लेना है। और जैसे कि देख पा रहे हो कुछ इस तरह से आ जाएगा, तो इधर मेरा जो फेसबुक अकाउंट है वो इंस्टाग्राम से लिंक है, तो मैं फेसबुक का ही करना चाहता हूँ। अगर आप सब इंस्टाग्राम को करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मैं इधर फेसबुक का आइकन आ रहा है तो इधर क्लिक कर रहा हूँ। और कुछ इस तरह से जैसे कि देख पा रहा हूँ, जो मेरा अभी ये पीसी है ना, विंडोज़ पीसी करके, तो अभी इसमें लॉगिन है ये मेरा। और बाकी बात और भी बहुत सारे डिवाइसेस में लॉगिन है जो कि आप इधर देख पाओगे। तो मैंने तो इतना में लॉगिन कर रहा था पहले, जैसे कि देख पा रहे हो 2023 में, तो वो भी आ रहा है। अब आप सबको क्या करना है, सबको लॉग आउट करना है, तो आप सब लॉग आउट कर सकते हो। जैसे कि सिलेक्ट डिवाइसेस टू लॉग आउट, तो इधर क्लिक कर देंगे। और जिसको भी हटाना है उस पर आप सिंपल क्लिक करके हटा सकते हो, बट मेरे को ये सारा डिवाइसेस को हटाना है, सिर्फ पीसी में लॉगिन करना है और फ़ोन में तो मैं बाद में कर ही लूँगा। तो सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देना है और लॉगआउट पे क्लिक कर देना है और फिर से लॉगआउट पे क्लिक कर देना है। और फ्रेंड थोड़े देर बाद में आप सबका जो अकाउंट है वो लॉगआउट हो जाएगा, सिर्फ एक ही में लॉगिन होगा जो कि ये पीसी है, जैसे कि देख पा रहे हो इसमें लॉगिन है। तो इसको कट कर देते हैं और फिर से मैं facebook.com पे जाता हूँ, facebook.com पे। एंड देन कुछ इस तरह से ओपन हो गया। तो फ्रेंड कुछ इसी तरह से आप जो जितना भी डिवाइसेज है उसको हटा सकते हो या फिर चेक कर सकते हो कि कौन कौन सा डिवाइसेज में लॉगिन है।